नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। रेड्डी साहब का एक बयान आया है जिसे सुन के लोगों का माथा चकरा गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी पैरासीटामोल से ही ठीक हो जाएगी, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस उन लोगों के लिए खतरनाक है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जिन्हें ब्लड प्रेशर या अस्थमा की बीमारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जगन ने ये बात क्यों बोली। दरअसल आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने थे जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से चुनाव आयोग ने टाल दिया। इस पर जगन मोहन रेड्डी ने प्रेस से बातचीत में कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर चंद्रबाबू नायडू के लिए काम कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति तभी हुई थी जब चंद्रबाबू सीएम थे। इसी बातचीत में जगन मोहन ने कोरोना वायरस पर भी बात की। सीएम जगन मोहन ने कहा कि क्या कोरोना वायरस की वजह से सारे कामकाज ठप कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए, ये वायरस सबके लिए खतरनाक नहीं है। विदेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति जो खांसी जुकाम से पीड़ित हो उसके आसपास ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना चाहिए। ऐसी ही कुछ सावधानियां जागरूकता बढ़ाती हैं। रेड्डी ने कहा कि चुनाव रोक देने से कोरोना वायरस नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि अगर 31 मार्च तक चुनाव हो जाते हैं तो 14वें प्लानिंग कमीशन के हिसाब से राज्य को 5,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इससे राज्य का विकास होगा, इससे किसी को कोई दिक्कत क्यों हो सकती है? जगन मोहन ने चुनाव आयोग से अपील की है कि स्थानीय चुनाव स्थगित नहीं करने चाहिए। हालांकि स्थानीय चुनाव को लेकर इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार ने कहा है कि आयोग कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करेगा। अब सीएम साहब के इस बयान के साथ ही एक और बात बतानी जरूरी है, वो ये है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस के लक्षणों में तेज बुखार प्रमुख है। इस लक्षण को ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल मरीज को दी जाती है, मगर ये इसे ठीक नहीं कर सकती, कोरोना वायरस को नहीं ठीक कर सकती। कोई ये बात सीएम जगनमोहन रेड्डी को भी बता दे तो अच्छा है। आपका इस मामले पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमारा एक नया पेज है लटक नाम से। अगर आप कहानी और कविताओं के शौकीन हैं तो उस पेज को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।